आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब गोदाम में आग लग गई। परफ्यूम और सोलर पैनल जल गए। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने पाक नेवी और एयरफोर्स की मदद से आग पर काबू पाया। हफीज बलोच रिपोर्ट करेंगे। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब सोलर पैनल के गोदाम में आग लगी, जिसने देखते ही देखते दीगर गोदामों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तकरीबन 10 बजे करीब फायर हुई थी। अगर ये इलाका शहर से काफी दूर है, आग लगने के फिल वक्त कोई वजह सामने नहीं है। गोडाउन के अंदर कोई आदमी अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है इस तरह का कि कोई जख्मी या कोई इस तरह का वाकया हुआ हो। एक्चुअली पीछे सोलर पैनल पड़े हुए हैं जिसको आग लगी थी, उससे आग जो है वो यहाँ तक आई है। फ्रंट जो गोदाम है यहाँ पे लगी हुई है। इस गोदामों में हमारे पास बैटरी है, सोलर पैनल है। रहनुमा कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन गुलाम मोहम्मद आफरीदी ने बताया, ट्रक अड्डे पर कायम फायर स्टेशन पर कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने के लिए गाड़ियों को दूर से आना पड़ा। यहाँ फायर स्टेशन मौजूद थी, लेकिन पिछले साल इस पे कब्जा हो गया है। यहाँ पे बकायदा दो गाड़ियाँ होती थी, एक नंबर गेट पे फायर स्टेशन का अपना प्लाट है। फायर ब्रिगेड, नेवी और एयरफोर्स के फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। कैमरामैन इमरान खान के साथ हफीज बलोच, समा कराची।